hello to all the wonderful viewers today. My name is Prachin Atkal Mathre, founder of Twitter Spectrum, who is organizing CCP of Queen of Hope by 2021. And I really want to thank my wonderful, wonderful gorgeous jury for today. That's Varna Govil and Mohanjit Kaur. So thank you both of you all for making my work a bit easier by shortlisting the wonderful talented contestants that we had today. And trust me, each and every one was like more than perfect, I can say. Because they all were wonderful in their own way and doing their best. And I am excited to know what the results are. And yes, this is a platform where each and every female can come up and show her talent, irrespective of their height, their weight, their skin color, their age, anything. There's no such criteria we have kept. So each and every female can come up and show their talent. So, बहुत से लोग हैं जिन्हें लेट से अगर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बाकी भी ऑडिशन होने हैं, शायद हम और एक ऑडिशन रख सकते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च. लेट्स सी पेंडेमिक सिचुएशन कैसे और बेहतर होता है, तो हम आगे सोच सकते हैं. अभी के लिए वी हैवंट डिसाइडेड एनीथिंग फॉर नेक्स्ट. बहुत डिफरेंट चीजें हैं. बियॉन्ड द थर्ड आई, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए और मुझे ये क्वेश्चन किया और इतना अच्छा कवरेज भी दे रहे हैं. थैंक यू सिकेन फॉर दैट एंड आई रियली अप्रिशिएट योर ऑफर. यहाँ पे बहुत सारी अलग चीजें होने वाली है. हमारा हमेशा से एक गोल रहा है कि एक सीजन दूसरे से बेहतर हो. तो सीजन वन से अच्छा सीजन टू था, तो सीजन टू से अच्छा सीजन थ्री होगा. और बोलते हैं ना, कोई चीज है, कोई चीजें हैं जो हमें हमेशा गुप्त रखनी है, सीक्रेट. तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे वो चार दिन का डेट क्लोज आता जाएगा, वैसे वैसे नए नए डिटेल्स हम सबको बताएंगे और सब देखने वाले हैं. तो अभी के लिए जो है वो इतना ही है. आई वॉन्ट यू ऑल टू बी वेरी मच एक्साइटेड फॉर द फोर्डिंग. प्राची मैम, बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज हो जाता है कंटेस्टेंट के लिए, एक बात ग्रैंड फिनाले होगा. अच्छा, तो ऑफकोर्स नर्वस होंगे सब लोग, मैं खुद भी हूँ. ऑफकोर्स हमेशा होती हूँ जब भी मैं कुछ नया करती हूँ, जहाँ पर मैं कंटेस्टेंट जाती हूँ, या अगर मैं जज जा रही हूँ, या मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, कुछ भी हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मैं खुद भी बहुत नर्वस होती हूँ. तो नर्वस होना अच्छी बात है, क्योंकि वो हमें मोटिवेट करता है. वो चीज, अगर आप नर्वस नहीं हो तो आप मोटिवेट, आप एनकरेज कैसे होंगे आपका बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए. हमेशा बी नर्वस व्हेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म, दैट इज व्हेन यू परफॉर्म द बेस्ट. ओके, मेरे व्यूवर्स खास तौर पे जब दो जोड़ी मेंबर यहाँ पे हैं, तो उनसे भी एक अल्टीमेट यू नो रिएक्शन लेना चाहेंगे, जानना चाहेंगे. सो क्या कहना चाहेंगे मैम, प्राची मैम के स्पेशली, और आज का जो इवेंट रहा कुल मिलाकर कैसा लगा आपको? इवेंट में आके तो बहुत अच्छा लगा. मैंने जैसे पहले भी बोला, जितने ज्यादा लोगों से मिलते हैं उतना ज्यादा अच्छा लगता है. तो आज का दिन आई विल से अ डे वेल स्पेंट, लर्न अ लॉट, एंड प्राची इज अ स्वीटहार्ट. ऐसे लोग हमें चाहिए जो इतना मोटिवेट करते हैं. वो चाहते हैं कि हर तरह की वुमेन बाहर आए और अपने आप को कॉन्फिडेंटली कैरी करें. तो प्राची यहाँ पर वही करने की कोशिश कर रही है. तो आई विल से ऑल द बेस्ट प्राची. आई जस्ट होप कि आप आगे और करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और वुमेन को बाहर निकालो, घर से बाहर निकालो और उनको कॉन्फिडेंटली बाहर लाओ. फाइनल कॉमेंट में प्राची मैम के लिए क्या मैसेज होगा? मैम प्राची के लिए जितनी वो सुंदर है, मन से भी उतनी ज्यादा सुंदर है. एंड आई वुड जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू समथिंग. आई हैव हैड माई फर्स्ट इवेंट सम टाइम बैक इन जनवरी, एंड आई वॉज नॉट वेरी यू नो फ्रेंडली विद हर. वी जस्ट मेट टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड द वे शी हेल्प मी. सो दिस इज, मुझे अभी भी गूज़ बम्प्स आ रहे हैं मैं ये बोलते हुए भी, कि मतलब एट द लास्ट मोमेंट हाउ शी हेल्प मी एंड आई शुड सेल थ्रू माई लास्ट इवेंट बिकॉज ऑफ हर. एंड जैसी वो दिखती है वैसी वो मन करिए. शी इज वेरी हेल्पफुल एंड इज वेरी काइंड, हम्बल ह्यूमन बींग, एंड शी इज वेरी प्रीटी एंड ब्यूटीफुल स्माइल.